बेहोश कौन कमबख्त हुआ था? तुम कमबख्त भाई? अरे मैं तो बेहोश होने का नाटक कर रहा था। नाटक कर रहे क्यों? क्योंकि मुझे तिवारी जी की श्रद्धा की लाज रखनी है, उनका विश्वास कायम रखना है। अरे भैया विभूति, इतने बड़े बड़े डायलॉग मत बोलो, समझ रहे हो? जो जो बात है ना वो साफ साफ बोलो, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे। इधर आओ। हाँ गोल विभूति भैया, हमने बहुत कमीने देखी, पर तुमसे बड़ा कमीना कोई ना देखो। बड़े कमीने तो आप हो पंडित जी, हम तो बड़े छोटे मोटे कमीने हैं। अच्छा ठीक है, ये तो बताओ तुम्हारी जा खटराग में हमारो क्या फायदो? ये फायदो दोनों ही दे दो। ऐसे नहीं पंडित जी, ठीक है आज्ञा करो, क्या करना है? अभी आप नीचे जाइए और तिवारी जी की दादी के सारा सामान ऊपर लेके आइए, और जब तक मैं ना कहूं अपनी चोंच बंद रखिएगा। बंद है गी? हाँ विभूति भैया नमस्कार। अरे सुना कि आपकी तबीयत वबीयत कुछ खराब है, आप बीमार हैं क्या? बीमार वार कुछ नहीं हुआ है, ये अपने पैसे पकड़िए और सुनिए करना क्या है। ऐसा क्या काम कराने वाले हैं मुझसे? डोंट वरी डॉक्टर साहब, कोई ऐसा इलीगल काम नहीं करवाना। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नहीं नहीं भाभी जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि विभूति भैया ने जो दादी की सुपारी खाई थी ना, वो टेटुए में अटक गई क्या? अरे नहीं भाई, तो का गले में अटक गया भाभी जी, गला टेटुआ एक ही होता है। अरे तो कहीं और अटक गई क्या? यार आप बड़े बेढंगे डॉक्टर है, कम से कम जवाब तो ढंग से दिया कीजिए। अब बता तो रहा हूँ, आप पूरा सुने तो। मेरा कहने का मतलब है विभूति भैया ने जो दादी की सुपारी चबाई थी ना, उस सुपारी के अंदर दादी की आत्मा बसी थी। हाँ तो जैसे सुपारी विभूति भैया ने चबाई ना, तो सुपारी के साथ साथ दादी की आत्मा भी उनके शरीर में प्रवेश कर गई। क्या ये क्या बोल रहे हैं? लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो आत्मा किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई है। दरअसल क्या, जो आपका प्यार है ना दादी के प्रति, वो प्यार ही दादी को खींच लाया है। ये तो बात सच है, हम अपनी दादी माँ से बहुत प्यार किया करते थे। अरे भैया यही तो मौका है, जम के पूरे दिलो जान से अपनी दादी अम्मा की सेवा करिए, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सक्सेना जी, हम कहा बोल रहे हैं लेटू के भैया, अकी पहले तो दादी माँ की सेवा करने का मौका हमको मिला ना ही, हाँ अब उनका वापसी हुआ है तो हम भी थोड़ा बहुत सेवा कर लेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन दादी माँ की आत्मा ये भभूति के नल्ले शरीर में काय घुस गई, भाभी जी के शरीर में काय नहीं घुसी? अब ये तो दादी पे ही निर्भर है ना, ये उनकी चॉइस है वो किसके शरीर में घुसे किसके शरीर में ना घुसे। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से समझ ले, इस वक्त वो विभूति भैया नहीं है बल्कि खालिस आपकी दादी हैं, सिर्फ दादी, ये अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। अबे प्यार से पुकारा करती थी दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, कितना अच्छा नाची, कितना अच्छा नाची, बिल्कुल वैसा नाची ना दादी माँ जब जिंदा थी तब नाचती थी है ना? याद है जब रात रात भर तेरा दादा गायब हो जाया करे था, फिर एक दिन तूने और मैंने उसका पीछा किया, तू कितना बड़ा होगा उस टाइम, 10 साल का था, बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। दादी माँ याद है, सब याद है, और हमने देखा कि वो जाते थे नचनिया के घर पे। अगली रात को मैं उनके सामने बहुत छोटे छोटे हल्के हल्के कपड़े पहन के और खूब झूम झूम नाची, और उस दिन से उन्होंने उस नचनिया के जाना छोड़ दिया और हमरे पीछे पड़ गए। ओ दिन और आज का दिन, मरते मर गया बड़ा, लेकिन पीछा नहीं छोड़ा। बिल्कुल दादी भाई, ये बात तो हमारे और आपके अलावा कोई भी नहीं जानता है ना। अरे दादी <मुँआ। laughs>
हमें माफ कर देना दादी माँ, दरअसल हमें यकीन ही नहीं हुआ कि आप ही हैं, माफ कर देना। तू तो ना शक की गांठ है, गांठ है। अब तो यकीन हो गया कि हम तेरी दादी हैं। हाँ दादी माँ, बिल्कुल यकीन हो गया। दादी माँ अब प्रणाम करे हैं। I love you मोरी बच्ची। I love you too. वो तू नहीं होता है, वो टू होता है, टू। सही पकड़े हैं। अरे दादी मम्मा। अरे क्या बात है, आज तो आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। जी भाभी जी, बात ही कुछ ऐसी है। लीजिए ये मिठाई खाइएगा। आपको नया ऑर्डर मिला है। नहीं नहीं भाभी जी, ये खुशी उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। अंगूरी जी भाव बनने वाली और आप पिता बनने वाले। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। ना हम पिता बनने वाले हैं, ना अंगूरी माँ बनने वाली है। सच तो ये है कि भभूति जी हमारी दादी बन गए। विभू आपकी दादी कैसे बन सकता है? जी जी भाभी जी, हम इसका पूरा वृतांत आपको सुनाते हैं। देखिए वृतांत ना छोटा रखिएगा, क्योंकि इसके बाद ना मुझे बाहर भी जाना है। जी जी, बस दो 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 शब्दों का वृतांत है भाभी जी। अच्छा बोलिए। बात दरअसल ये है कि आप तो जानती हैं कि हम अपनी दादी से बहुत प्यार किया करते थे। मुझे बताया था आपने, मैंने सुना है। और दादी जी भी हमसे उतना ही प्यार किया करती थी। तिवारी जी डायरेक्टली आइए ना, आप बात को क्यों घुमाते फिराते हैं? नहीं डायरेक्टली आते हैं भाभी जी। वो क्या है ना भाभी जी कि हमारी दादी जी की पवित्र आत्मा भभूति जी के अपवित्र शरीर में प्रवेश कर चुकी है। क्या? जी यही सत्य है भाभी जी। ये बिल्कुल झूठ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। झूठ नहीं भाभी जी, दरअसल ये चमत्कार हो चुका है। अरे तिवारी जी, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आडंबर है, ये ढोंग है। ऐसा आत्मा-वात्मा कुछ होती नहीं है। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हमारी दादी जी और भभूति जी के केस में आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये केस थोड़ा अलग है। एकदम साक्षात हमने देखा है कि हमारी दादी जी की आत्मा भभूति जी के शरीर में है। वो उसी अंदाज में, उसी आवाज में बात कर रही है। भभूति जी हमें उसी नाम से पुकार रहे हैं जिस नाम से हमारी दादी जी हमें पुकारा करती थी भाभी जी, और केवल वही पुकारा करती थी। किस नाम से पुकारती थी आपकी दादी जी आपको? लीद। लीद? नहीं नहीं, लीदड़। लीदड़ जी, सच में आपकी दादी जी आपको प्यार करती थी? कोई नाम हुआ जी? नहीं भाभी जी, आप समझी नहीं। हम समझाते हैं। क्या है कि हमारे दादा और दादी के घुड़साल हुआ करते थे, और उन घुड़सालों में हमारी अम्मा काम किया करती थी। तो एक बार जो है हमारी अम्मा घोड़े की लीद साफ कर रही थी, तो अचानक दूसरे घोड़े ने लीद कर दी। जो ही उसने लीद करी तो हमारा जन्म हुआ, और हमारी दादी ने हमारा नाम लीडर रख दिया। अच्छा ठीक है तिवारी जी, दैट्स ओके। तो इससे विभू का क्या ताल्लुक है? है भाभी जी, बहुत गहरा ताल्लुक है। दरअसल हमारी दादी हेलेन मिश्रा की आत्मा भभूति जी के अंदर प्रवेश कर चुकी है। क्या मैं जान सकती हूँ विभू कहाँ है? जरा मुझे लेके चलिए उसके पास। नहीं नहीं भाभी जी, आप समझ नहीं रही है। फिर वो भभूति जी नहीं, वो दादी है हमारी दादी। हाँ बाबा, उन्हीं के पास लेके चलिए। कहाँ है वो? वो दरअसल सक्सेना जी के साथ मार्केट गई है शॉपिंग करने। जब आएंगी ना मुझे इत्तला कीजिए। जी मैं भी देखती हूँ कि विभू के अंदर आपकी दादी की आत्मा कैसे घुस गई। भाई जी लीद मिठाई जरूर खाइएगा। चलते। आदाब। और भैया लोंडो कैसी हो? अरे राम, दर्द है रहो रे बहुत। अरे मर गया, पूरा बदन जो है ना पके फोड़े की तरह दर्द कर रहा है। मुंह को शरीर तो भट्टी की तरह तप रहा है। अरे मोरी मैया। अजी हुजूर, आप तीनों की हालत हमारी वजह से हुई है। अब हम
आपके जख्मों पर मरहम लगाएंगे। अरे डोंट वरी दादी माँ, चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारा कैश पड़ा है और कार्ड भी है। आज मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा दादी माँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अरे पगलेट, कुछ एक सामान औरतों के ऐसे होते हैं जो सिर्फ औरतें ही खरीद सकती हैं, मर्द नहीं खरीद सकते। अच्छा, ऐसा क्यों है दादी माँ? जब तेरी शादी होगी ना तब तुझे पता लगेगा, पर तेरी शादी होती दिखते ना मुझे। तो मेरी शादी करवा दो दादी माँ। अब पगलेट, पर नाश पीते पर करम जले, मैं आत्मा हूँ आत्मा, तेरी शादी मैं किससे कराऊं? दादी माँ मेरी शादी किसी आत्मा से करवा दो। वैसे भी शुरू से मेरी दिली इच्छा ये रही है कि मेरी शादी किसी चुड़ैल के साथ हो। जब वो चुड़ैल बार बार मुझे डरा डरा के शौक देगी तो मुझे बहुत मजा आएगा, ऐसे चुड़ैली शौक, आई लाइक इट। अबे कमबख्त मारे, तू खुद इतना बड़ा पागल है, कोई भी चुड़ैल तुझसे शादी करने में डरेगी। प्लीज दादी माँ, अपनी किसी सहेली चुड़ैल से मेरी शादी करवा दो ना, प्लीज प्लीज। हाय दिया, लड्डू के भैया क्या कर रहे हैं? एटम बम देख रहे हैं? एल्बम देख रहे हैं पगली, एल्बम सही पकड़े हैं। ये भिखारी जैसा बच्चा कौन है? इसका तो नाक भी बहरा है, कौन अजीब कतरे का है का? ये हम है। ये आपका फोटो है? ऐसे दिखते थे आप बचपन में? अब जैसे थे वैसे ही लगेंगे ना। ये तो हमको दादी जी दिख रही हैं। हाँ, ये दादी जी है, ये भी दादी जी है, ये भी दादी जी है। और सिर्फ दादी दादी का ही फोटो है, दादाजी का ही नहीं नजर आ रहे हैं। दरअसल दादाजी एक दर्जियाने को लेकर भाग गए थे। दादाजी भी? आपके पिताजी अम्मा जी को भगा कर शादी किए, आप हमको भगा कर शादी किए, का आपके खानदान में कोई नॉर्मल शादी ही नहीं किया? हाँ, ये तो मैं तंज मार रही हूँ। नहीं नहीं लड़की भैया, हम तो जो हमको दिख रहा था ना वही बोल रहे थे। लेकिन हमको एक ठो बात बताइए कि दादाजी दादी जी को छोड़ के उधर दर्जियानी के साथ काहे भाग गया? क्या बताएं पगली, एक बार फूलवती दर्जियानी के यहाँ दादाजी अपने कुर्ते का नाप देने गए थे। दादाजी बड़े गठीले बदन के थे, जिनके गठीले बदन को देखकर दर्जियानी का दिल डोल गया और उसने दादाजी का ऐसा कस के नाप लिया, ऐसा कस के नाप लिया कि दादाजी नप गए और ऐसे नपे कि दर्जियानी को लेकर निकल गए। दादी माँ, दादी माँ। चिपक रहा, कहाँ चिपक रहा, कहाँ चिपक रहा? भैया ये लो, दादी माँ ने पूरे 20,000 की शॉपिंग की है। 20,000? तेरी चीख कहाँ निकल गई बे? कहाँ निकल गई तेरी चीख? क्या है ना दादी माँ, थोड़ा वो कंजूसी की आदत है ना, तो 20,000 देखो थोड़ा चौंक गए, वरना आपके लिए तो दादी हम अपनी पूरी दौलत लुटा दे। सर लिख दे, सर दर्द हमारे नाम पे लिख दे। का है ना दादी माँ, हमको पता है मजाक कर रही हो तुम, मजाक कर रही हो तुम, तो हो ही नहीं। अगर हो ही नहीं तो फिर दौलत किस काम की है ना, अगर जिंदा होती तो हम पूरी दुनिया जहान की दौलत तुमको लुटा देते। भैया दुनिया जहान की दौलत बाद में लुटाना, पहले दादी माँ ने जब 20,000 की शॉपिंग की उसका बिल दे दो। दे देंगे ना, कौन से भागे जा रहे हैं? ये डरते कहाँ हैं, हम आपको दे देंगे सक्सेना जी। हाँ भाभी माँ, आपने कह दिया तो बस, वरना ये आदमी भरोसे के लायक है नहीं। आई लाइक इट। दादी माँ क्या क्या शॉपिंग करके आई, क्या क्या लाई बता? चेक से भाई पकड़ा रहा, दिखा दे रहा। अरे साड़ी किसकी ले लाई दादी माँ? साड़ी तेरे तो लाई नहीं हूँ, अपनी जान के लिए लाई हूँ, माय स्वीट हार्ट अंगूरी के लिए। दादी जी हमरे लिए है।
सुंदर है दादी जी। रोक ले, रोक ले इसको, रोक ले। बैठो बैठो बंगली बैठो। नाम कर रहे हैं थांकू। आई लव यू मोरी बच्ची। अच्छा और क्या क्या लाए हो जरा दिखाओ हमें सक्सेना जी। ये वो क्या है? आए ये शर्ट जीन ये का माली लाई हो दादी? तेरी इतनी औकात नहीं कि तुत्ते बहने कपड़े पहने का खबीस मौसी मिले भूल गया बचपन में वो टांग का कच्चा पहने घुमा करता था तो मैंने नहीं धोता नहीं तो उस कच्चे को भूल गया तू कंबख्त मारा है दिया अब तो मैंने कच्चे नहीं धोते थे अपने। I like it। अरे बड़ा ही गदीश था, बड़ा ही गदीश था। कहा दादी मैं सबके सामने मैं पोल का ही बोल रही हूँ। अमर बच्चा मेरा लालू, मेरा लालू, मेरा बच्चा सर्वा जुआ माँ का भैया। दादी मैं एक बात बताओ, ये कपड़े हमारे लिए नहीं लाई तो फिर किसके लिए लाई हो? अपने लाई हूँ, अपने लिए बे। अपने लिए? लेकिन आप तो है ही नहीं, आपको कपड़े पहनने की जरूरत ही क्या है दादी? I like it। दादी तो निराकार है, जब दादी का कोई आकार नहीं है तो फिर कपड़े पहनने का जरूरत है? अरे मैं नहीं पहनूंगी, नाश पीट है, इसका बदन इस्तेमाल कर रही हूँ, वो तो पहन सकता है बे। उस नल्ले के लिए इतने महंगे कपड़े लाने की क्या जरूरत थी? तूने अपनी औकात वाली बात, घटिया बात है। जिस बच्चे की वजह से तू दादी से बात कर पा रहा है, मिल पा रहा है, अगर उस बच्चे के लिए मैंने दो पैसे की शॉपिंग कर दी तो तेरा गुर्दे काल चल रहा है। दो पैसे की शॉपिंग, आई लाइक इट। दादी माँ, दादी माँ, ये एक निवाला हमारे हाथ से। हाँ, क्या बात है दादी, एक तो हमरे हाथ से भी। हाँ दादी माँ एक निवाला मेरे हाथ से, एक आई लाइक इट। चप पकड़ पकड़ा गया कहाँ बे, जान लेगा हमरी। छोड़ो दादी माँ, थोड़ी सी खीर भी हमारे हाथ से खाओ, चलो अपने खाएंगे, हमारे पीछे नहीं पड़ो। अरे खाओ ना, नहीं पड़ो पीछे, हमें शुगर हो जाएगी। शुगर कैसे होगी दादी, आप तो मर चुकी हो ना। इसके शरीर में हम घुसी हैं, उसकी शुगर तो बढ़ जाएगी ना। अरे वो तो नल्ला एक नंबर का बेशरम आदमी है, उसको कुछ ना होगा। इतना कमीना आदमी है, उस बच्चे की वजह से तो अपनी दादी से बात कर पा रहा है, मिल पा रहा है, और तू उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। गिरे पड़े रखी है होटल लेके, मैं जा रही हूँ, ये ले गई। अरे दादी माँ, अरे ऐसा ना करो दादी माँ। अरे भैया कितने बड़े कमीने आदमी हैं आप, आपने एक पवित्र आत्मा को हर्ट कर दिया। भाई हमने कुछ नहीं किया, हमने कहा बोला दादी माँ से, बताओ कहा कुछ बोला? लेकिन बरबूती जी के लिए तो बोल रहे थे ना, उनका दादी जी का आत्मा उन्हीं के तो शरीर में निवास कर रही है। बुलाइए उनको, सारी बोली माफी मांगे। चलिए ठीक है दादी माँ, हमको माफ कर दो दादी माँ, आ जाओ वापिस आ जाओ, माफ कर दो दादी माँ। दादी माँ उठ जाइए, दादी माँ उठ जाइए। दादी जी अमरीका उतर वापस आ जाइए। तेरी खातिर तो मैं जन्नत से भी आ जाऊं, तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you too दादी जी। दादी निकाल दे बेटा, दादी निकाल दे। I love you too। अरे अरे दादी माँ अब क्या हो गया? अरे चुप, एंजॉय कर रही हूँ। दादी माँ एंजॉय कर रही है, आई लाइक इट। अच्छा सुन, अब एक काम कर, तूने अपने हाथ से मुझे खीर खिला। ठीक बा। खीर कैसे खिलाएगी, ये तो भगवती जी को शुगर हो जाएगी ना दादी माँ। चुप कर, बड़ा शुगर कर रहा है, लौंडा बहुत स्ट्रांग है, अभी शुगर नहीं होगी उसको, चल खिला। आई लाइक इट। क्या बात करती हो पगली, हम दादी से भी उतना ही प्यार करते जितना हम तुम्हारे साथ करते है, समझी? नहीं करते आप हमसे प्यार। बिल्कुल करते, कौनो साबित करना पड़ेगा क्या? हाँ करना पड़ेगा। कैसे साबित करे जरा बताए दो। और कितने
दिन हो गए आप हमसे कौन और रोमांस ही ना किए हैं। ओहो, तो सारे रोमांस की वजह है ये नाराजगी है? सही पकड़े हैं। आपको तो कुछ ध्यान ही ना आई हमरा। कोई नहीं, उसमें कहा है अभी रोमांस करते हैं, इसमें कौन सा टैक्स लगने वाला है पगली? शुरू करें क्या? दादी, दादी आप अचानक यहाँ कैसे? अरे कमबख्त, नासपीट है, मुझे छोड़। तू ये बता, तू ये क्या बदतमीजी कर रहा है बहू के साथ? हाथ मस्ती कर रहा उसके साथ? बदतमीजी नहीं, हम तो अंगूरी संग रोमांस कर रहे थे दादी माँ। तेरा दिमाग खराब हो गया, पगला गया क्या तू? दादी माँ क्या है ना, हमें लगा कि आप नीचे सो रही हैं, तो हमने सोचा चलो तनिक बीवी के साथ थोड़ा रोमांस ही कर लिया जाए। मर्दूत, तू रोमांस नहीं करेगा, मैं करूंगी रोमांस इसके साथ। आप अंगूरी संग रोमांस करेंगी? क्या मैं इसके साथ रोमांस ना कर सकती? बड़ी रंगीन मिजाज है दादी, ये बड़ी आशिक मिजाज। बड़ा कमीना मिजाज हो रहा है, अभी तक मंडरा रहा है यहाँ पे। चलो ना दादी, हम आपको नीचे छोड़े आए, आओ चलो। नीचे मैं नहीं जाऊंगी, कम बखत मारे। नीचे तू जाएगा, मैं तो रोमांस करूंगी इसके साथ। हाँ? ऐसा क्या देख रहा है की तरह? मतलब आप अंगूरी के संग सोएंगी? क्या मैं अपनी पोती बहू के साथ ना सो सकती? ना ना, सो सकती हो दादी माँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जिस आदमी के बाड़ी में आप घुसी हुई हो ना, वो आदमी जो है बहुत ही ठरकी, मतलब बहुत ही कमीने टाइप का आदमी है। कमबख्त नासपीठ है, मैं आटी मिले, आत्मा तो मेरी है, दादी की तेरी उसमें, फिर भाग। मतलब आप सो के दम लेंगी? चल पकड़ भाग यार। गुड नाइट दादी, हमको बहुत नींद आ रहा है, हम सो रहे हैं। आई लव यू। अदिया, ये आपकी आवाज को क्या हुआ? ये दादी की आवाज नहीं है, ये मेरी आवाज है, विभूति नारायण मिश्रा। एंड आई सिंसियरली जेन्युइनली लव यू। हैशटैग मी टू। आए लगा दुल्हनिया का धक्का, सलम कलकत्ता पहुंच गए, सलम कलकत्ता पहुंच गए, लगा दुल्हनिया का नाना। ये भगवान, ये आदमी क्या कर रहा है, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दादी जी, का करती रहती है आप, का इतना काम करती हैं? अरे पौधों को पानी दे रहे हैं बाहुरिया, और का कर रहे हैं? अना इतना बुजुर्ग होकर आप ये सब काम करती हैं, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये कौन कहता है माटी मिला के हम बुजुर्ग हैं? कौन कहता है? अभी भी हमारा में इतना ताकत है कि दो पट्टों को यहीं चित कर सकते हैं, यहीं पे। आप जवानी में कुश्ती भी लड़ती थी का? अरे हम जवानी में पहलवान रहे, और ददिया ससुर है ना, उनसे जो हमारी शादी हुई है वो कुश्ती के चक्कर में तो हुई है। कैसे कैसे? कहा कि वो भी बहुत बड़ा पहलवान रहा है अपने जमाने का, तो वो ऐलान किया रहा है कि जो उनको कुश्ती में हराएगा वो उनका गुलाम बन जाएंगे। तो क्या हम भिड़ गए और जो धोबी पछाड़ मारा उनको और चारों खाने चित? दिया, बहुत बहुत मजेदार कहानी। फिर का हुआ? फिर का, वो हमारे गुलाम बन गए और जिंदगी भर हमारा मालिश किए, और एक दिन मालिश करते करते भावनाओं में बह गए। दिया, उसके बाद क्या हुआ? अरे क्या हुआ का, 9 महीने के बाद लीडर का बाप पैदा होगा। बस बस दादी जी, अब हमको बहुत शर्म आ रहा है। शर्माने का काय बात है, अब तुम्हारा भी टाइम आ गया, बच्चा पैदा कर दो। दादी माँ, दादी माँ। पकड़ा गया। चिपक रहा है, चिपक नहीं रहा है दादी माँ, हम तो आपसे प्यार करते ना, इसलिए चिपक रहे हैं। इतना देर से दादी का कौनो खबर नहीं लिया,
अब चिपक रहा दादी दादी कर रहा दादी दादी कर रहा मनहूस काम चला हेलो हेलो भाभी जी हेलो तिवारी जी हेलो हेलो अंगूरी जी हेलो नीता जी तिवारी जी क्या हुआ आप तो कह रहे थे कि आपकी दादी आपसे बहुत प्यार करती हैं दादी तो आपकी बैंड बजा रही हैं जी भाभी जी क्या है कि जब से टाइम बोली है ना तब से कुछ ज्यादा ही सख्त सी हो गई है लेकिन हमसे प्यार बहुत करती है सरकनाती कहीं चपरा ओ दादी जी सुन रही हैं मैं कह रही हूँ मेरे हस्बैंड को आजाद कर दीजिए मुझे कॉफी की तलब लग रही है तू अपना हाथ से कॉफी बना के नहीं पी सकता है अपने मर्द से काम करवाती है शर्मानी चाहिए तुझको पति परमेश्वर होता पति परमेश्वर होता हाँ उसका सेवा करना चाहिए उसका पान दबाना चाहिए और तू उससे अपना पान दबवाती है शर्माना चाहिए तुझको अच्छा दादी जी ये आप कह रही हैं आपकी आड़ में कोई और कह रहा है और कोई काहे कहेगा हम ही कह रहे हैं भूरी मेरे बच्चा दादी मेरे बच्चा खुशरक कैसे हैं समधि जी मैं ठीक हूँ समधन जी नमस्ते इस बार तो बहुत दिनों बाद दर्शन हुए हैं आपके हाँ तनिक बीजी चल रहे थे कछु दिन से ठीक से बैठ चिपका रहता हमेशा अम्मा जी प्रणाम आ गई रफारत कहाँ से आज करके आ रही है अरे कैसी बात कर रहे हैं अम्मा जी हम तो सीधा घरे से आ रहे हैं ना किसका घर से आ रही है पंडित रामपाल का घर से आ रही है का क्या कह रहे हैं सबके सामने अम्मा जी तनिक तो शर्म कर लीजिए जब तूने शर्म नहीं की तो हम कहा शर्म करें हा? अरे ऐसा का कर दिए हैं हम हा? कि मरने के बाद भी हमारे पीछे पड़ी हुई है आप हमसे कह रही है कि का कर दिया अगर हम अपना मुंह खोल दें अब बता दे कि तुम का कांड किए हो तो मुंह छुपाती छुपाती फिरोगी दिखाने का काबिल नहीं रहोगे समझी पकड़ा गया क्या अम्मा जी इन्होंने क्या क्या कांड किए हैं रोशनी डालेंगी आप जान के अम्मा जी तो ऐसे ही हमरे बारे में उल्टा सीधा बात करती रहती हैं तो बुढ़िया ऐसी हैं अच्छा हम झूठ बोलती हैं तो ठीक है हमरा एक सवाल का जवाब दे दे का सवाल है पूछिए पूछ लीजिए आप इस लौंडा का शक्ल जो है हमरा लौंडा से कहा नहीं मिलता इसका शक्ल पंडित रामफल से कहा मिलता बताओ जवाब दो हमरा पूछो उसको अम्मा जी अब समन जी हाय दियो अम्मा जी समन जी बेचारी बड़ा ही टेढ़ा सवाल पूछ लिया आपने अम्मा जी सबके सामने अच्छा चुप करके बैठो जा पकड़ पकड़ ना करो चलो समोसा खिलाओ हमको दादी पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर